यूपी के अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच और अमरोहा की पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 50 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। आपको बता दें, इन तस्करों के कई राज्यों में तार जुड़े होना बताया जा रहा है। और तो और, तस्करी की लकड़ी को चीन, जापान और कई देशों में सप्लाई किया जाता है। और बताइए, जो ये आज ये चंदन की लकड़ी का जो मतलब एक गोदाम पे छापा मारा है, वहाँ चंदन की लकड़ी बरामदी, क्या है मामला सर? जी, इसमें आज दिल्ली क्राइम ब्रांच टीम आई थी एक अभियुक्त को पकड़ने के लिए, जिसमें कि हमारी पुलिस साथ में थी। और इसमें हमने जब कई ठिकानों पर छापेमारी की तो एक ठिकाने पर चंदन की लकड़ी भारी मात्रा में पकड़ी गई है और ये लगभग 50 क्विंटल के आसपास की लकड़ी है, जिसमें कि रेड सैंडलवुड है, वाइट सैंडलवुड है, हेयर की लकड़ी भी है, उनका गोला भी है। और यह जानकारी में आया है कि यह लकड़ी जो है स्मगल करके चाइना और जापान इत्यादि देशों में दिल्ली आती है। इसमें फॉरेस्ट के अधिकारी आए हैं, उन्होंने इसको प्रथम दृष्टया मार्क किया है और इसमें इनका कहना है कि लगभग 50 मिनट के करीब की लकड़ी है और इसको आगे और मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। फिलहाल यहाँ पे जो लोग मिले हैं उन्हें हमें हिरासत में लिया है और आगे इसमें मुकदमा दर्ज कर जो भी इसकी पूरी जाँच पड़ताल है। सर, इसमें अभी तक क्या नाम प्रकाश में आए, अभी तक कुछ पता लग पाया कि जो प्रथम दृष्टया इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें अभी एक कमर नाम के व्यक्ति का पूरा गिरोह होना सामने आया है और आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और जिन लोगों का भी यहाँ आना जाना रहा है, जिनकी संपत्ति है, उन सबसे पूछताछ की जाएगी। जो यहाँ पे मजदूर हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और पूरा जो गिरोह है इसका दिल्ली से लेकर आंध्रा और आगे तक का उसका पूरी छानबीन की जाएगी। इसमें पूरे मामले की छानबीन की जाएगी, जो भी संदिग्ध आएंगे जिनका भी पाया जाएगा। सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरे परिवार की ओर से।